ड्रग मामले के बीच सोशल मीडिया पर लगातार कई ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं जिनकी वास्तविकता खुद सवालों के घेरे में है। आप सब जानते हैं इस वक्त का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है आर्यन खान ड्रग केस, जिसमें लगातार राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक के बयान सामने आ रहे हैं। बयानों का ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और इन सबके बीच आपको बता दें, फिलहाल आर्यन खान और शाहरुख खान को लेकर सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है कि शाहरुख जेल में कैद अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि शाहरुख खान के बेटे को काफी ज्यादा जेल में अपने मम्मी पापा की याद आ रही है और इसी याद के सहारे यहाँ पर एक पिता अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचा है। जब इस वायरल खबर की जांच पड़ताल की गई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई ये कि शाहरुख अब तक अपने बेटे से मिलने के लिए ना तो एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं, ना ही शाहरुख खान कोर्ट पहुंचे हैं और ना ही आर्थर रोड जेल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, किंग खान की मैनेजर पूजा ददलानी और किंग खान के वकील ही अब तक एनसीबी दफ्तर से लेकर कोर्ट और आर्थर रोड जेल पहुंचे हैं। ना तो शाहरुख, ना ही गौरी, ना ही इनके परिवार का कोई और सदस्य अब तक आर्यन से मुलाकात किया है। हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है, बीते दिनों शाहरुख और गौरी दोनों ने करीब 10 मिनट तक अपने बेटे से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की थी। बाकी शाहरुख और आर्यन की मुलाकात को लेकर वायरल हो रही खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।